फोर एस फॉलो किया सक्सेस। तो फर्स्ट एस क्या है? फर्स्ट एस है शरीर। सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, इतनी भावनाओं में इतने भावुक मत बन जाइए ताकि हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। हमने तो देखे, मैं तो मेरे गुरु महाराज से ही शिक्षा ग्रहण करूं कि भागवत के मूर्धन्य विद्वान, पूरी दुनिया में उनकी बराबरी भागवत की दृष्टि से कोई नहीं कर सकता, लेकिन शरीर अस्वस्थ हुआ, लाचार हो रहे हैं, कितना दुख होता है। व्यक्ति के पास कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी कला हो, लेकिन शरीर गया हाथ से, खत्म। क्या प्रचार कर पाए, क्या क्या कुछ कर पाए, हम दूसरों को क्या मदद कर पाएंगे? इसलिए दूसरों को इस भवसागर को पार कराने के लिए अपनी नौका ठीक रखें, शरीर पर ध्यान दीजिए। इतना भी पैसे मत कमाने में बिजी हो जाइए कि हमारा शरीर ठीक ना रहे, शरीर ठीक होना चाहिए। और शरीर के अंतर्गत ही होता है हमारा ये शरीर स्वस्थ। योगा करो, एक्सरसाइज जो भी है आप अपने हिसाब से, और कम खाओ। भक्ति में नहीं थे तो बिल्कुल परफेक्ट थे, भक्ति में आने के बाद एक्स्ट्रा पेट हो जाता है। और फिर बस ये श्लोक कोट करते हैं, प्रसाद लेने वाला श्रेष्ठ है, प्रसाद आकंठ आकंठ, प्रसाद पराया है, पेट तो अपना है, कम से कम इसका तो ख्याल करो। तो शरीर, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि समतोल होना चाहिए, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। तो अपना शरीर ध्यान रखे, फर्स्ट एस जो है, एस हमें क्लियर करना है, तो अपना शरीर, साथ ही साथ अपना फैमिली, अपना जॉब, अपना बिजनेस परफेक्ट रखे, भावनाओं भावुकता में मत बहे, अपना परफेक्ट रखे, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, हमें ये ध्यान रखना है। ये क्लियर है तो नेक्स्ट दूसरा एस है साधना। मैं लाइन में जाना है, लाइन को भी ब्रेक नहीं करना है, साधना, क्योंकि साधना ठीक से तब तक नहीं होगी जब तक शरीर ठीक नहीं होगा। साधना करते करते सो जाते हैं क्योंकि शरीर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, रात को ज्यादा खा लिया, अपच हो गया। शरीर परफेक्ट होगा, साधना ठीक होगी, शरीर जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी जगेंगे, ठीक है। सेकंड साधना, और क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में 99.99% साधना से ही प्रोग्रेस होता है, तो शरीर के बाद तुरंत है साधना, ठीक है। और ये दूसरा एस, थर्ड एस है शिक्षा, शब्द, ये जो बात आ रही है, ज्यादा से जीवन भर तक शिक्षा लेने का आग्रह रखे। जिस दिन शिक्षा लेना बंद किया उस दिन हमारे जीवन में फुल स्टॉप लग जाएगा, हमारे जीवन के प्रोग्रेस रुक जाएगा। शिक्षा, तो शरीर, साधना, शिक्षा और फिर सेवा। एक बात समझ लीजिए, यदि शिक्षा ठीक से नहीं होगी ना तो सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, साधना ठीक से नहीं होगी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, और शरीर ठीक नहीं होगा तो सेवा का तो प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल लाइन से जाना है, शरीर ठीक होगा तो ही सेवा कर पाएंगे, शरीर जरूरी है। और इस कॉन्शियसनेस से कि मुझे सेवा करनी है इसलिए शरीर ठीक रखूं, इसलिए आप जो एक्सरसाइज भी करेंगे ना 15-20 मिनट, वो भी भक्ति हो जाएगी, क्योंकि सेवा के लिए आप शरीर का ध्यान रख रहे हैं ना। शरीर, साधना, और साधना ठीक नहीं होगी तो सेवा ठीक नहीं कर पाएंगे, सेवा का वो मूड नहीं रहेगा। शिक्षा ठीक नहीं होगा तो सेवा ठीक नहीं, हम तो देखते हैं ना 10 लोगों को प्रसाद सर्विस करने की सेवा मिलती है, उसमें से 4 नहीं आए, 6 आ गए, 6 आएंगे प्रसाद सर्विस भी करेंगे, हरे कृष्ण, वो 4 नहीं आए साले, हरे कृष्ण। क्यों? क्योंकि शिक्षा ठीक से नहीं मिली है। हमें तो खुश होना चाहिए ना कि जो जो फल 10 लोगों को मिलने वाला था वो 6 को ही मिलेगा, हमको तो ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन नहीं, हम तो बस वो सेवा करते करते दूसरों की निंदा करते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है, जब प्रसाद बांटते हैं तो खीर जो है ना एकदम कम देते हैं, बिल्कुल सुंघाते हैं, सुंघ लो ना भाई, डालना नहीं, लेकिन गंध कम डालते हैं, कम डालते। और जो अपनी सखिया, अच्छा तुम 1-2-3, हरे कृष्ण,
क्यों भाई उसको तो केवल सुंघाया और इसको तीन चम्मच दे दिया। ये शिक्षा की कमी है ना, ये अपराध होता है। तो बिना शिक्षा के सेवा करेंगे तो अपराध बनेगा। इसलिए शरीर, साधना, शिक्षा एंड सेवा, ये 4S होगा, आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं आपका ये 2020 जो है ना, 2020 आपका सक्सेस हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, 19-20 तो बहुत हो गया, लास्ट ईयर क्या था, 19-20 था ना, अभी साल 2020 खेलना है। 2020 समझते ना, क्रिकेट में अभी पहले वो टेस्ट